हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बड़गोती मेडिकोर। दोस्तों फिर से हम एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अपडेट पहुंच सके। जो ये वीडियो है एम्स से रिलेटेड रहने वाली है, इसमें वन बाय वन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से एम्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाले, सब कुछ मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि एम्स कल्याणी की तरफ से जो ये पोस्ट जो वैकेंसी रिक्वायरमेंट रखी गई है, ठीक है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी 13/9/2023 को इसका आ चुका है इसकी ऑफिशियल साइट पे। और इसमें ग्रुप ए से रिलेटेड पोस्ट रखी गई है, टोटल पोस्ट जो की है, ठीक है, जो कि रेगुलर पोस्ट रखी गई है। और इसमें जो डिटेल्स है वैकेंसीज की, कितनी पोस्ट है, क्या क्राइटेरियाज है उसकी रिगार्डिंग, तो इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे। असिस्टिंग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रखी गई है जो ग्रुप एस है, इसका पे ग्रेड लेवल 10 रहने वाला है। टोटल 8 पोस्ट है जो कि आप देख सकते हो, एससी की 1, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 2 पोस्ट है और जनरल की 2 पोस्ट है, 5 पोस्ट रखी गई है इसमें। बीटी ऑफिसर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर उसकी ग्रुप ए की पोस्ट है, पे ग्रेड लेवल जो 11 रहने वाला है, 1 पोस्ट रखी हुई है जो कि जनरल से है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट एक ग्रुप की रखी गई है जिसका पे ग्रेड लेवल 10 रहने वाला है, टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल पे है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है जो ग्रुप ए की रखी गई है और पे ग्रेड इसका 10 रहने वाला है और टोटल पोस्ट है 1, यानी कि ईडब्ल्यूएस इसकी पोस्ट रखी गई है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें जो कि ए ग्रेड की ए ग्रुप की पोस्ट रखी गई है, इसका पे ग्रेड लेवल 10 रहने वाला है और टोटल पोस्ट है 2, ओबीसी डिग्री से है, ठीक है। और इसमें और भी जो क्राइटेरियाज है वो मैं आपको बता दूँ। इसमें आप देख सकते हो, इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है आप देख सकते हो। इसमें बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए जो आपके पास 4 साल का होता है बीएससी नर्सिंग, नॉर्मली वही होता है, पर इसमें मेंशन कर रखा है इस वजह से मैंने नोटिस करवा दिया, ठीक है। या अगर जिसने 4 साल का निकला जीएनएम कर रखी है तो उसके साथ में उसको पोस्ट बीएससी करना जरूरी है, इस वजह से उन्होंने इंडिकेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे शो रखा होगा आपको जैसा कि रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। एक्सपीरियंस है 6 ईयर का होना चाहिए, 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर उसको होना चाहिए। अगर आपके पास एम एस सी नर्सिंग हो, ये डिजायरेबल अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, जिसमें जो भी डिप्लोमा कोर्स होता है वो होना चाहिए। और इसमें देख सकते हैं एमडी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक विद कंपोनेंट सेपरेटर ड्यूरिंग द पीजी कोर्सेज, ये इसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखे गए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इसमें एम ए एम एस इन साइकोलॉजी या एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के अंदर, उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और पीएचडी के बाद में अगर जो भी इसके एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर वो है तो अच्छी बात है, क्योंकि डिजायरेबल दी गई इसके अंदर, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर ये क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसकी 21 से 35 ईयर इसकी एज रखी गई है, जो कि क्राइटेरिया जो सबकी सेम ही है जहाँ तक है। और बीटी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर उसमें 21 से 40 साल का रखा गया, अदरवाइज सभी में 21 से 35 साल रखी गई है। क्लिनिकल साइकोलॉजी 21 से 35 है, इसमें आपका एम एम एस सी साइकोलॉजिस्ट विद एम फिल इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी और 2 साल का साइकोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अदर जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिजायरेबल है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो देखो 35 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वो एज ए रजिस्टर होना चाहिए रजिस्टर नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा यानी कि एमएससी के साथ होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको टीचिंग के अंदर, वो कैंडिडेट इसके ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, ओके। और इसके जो जनरल क्राइटेरिया जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कुछ इसमें दे रखी है आपको, मैंने एक्सप्लेन वो मैं करता जा रहा हूँ। आगे बात करें इसमें रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की, तो एस सी एस टी कैटेगरी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो फिजिकल एंड के पर्सन होते हैं उनको 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पहले से हैं तो उनको 5 ईयर का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये सब कुछ क्राइटेरिया रखा गया। रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिलेगा, और ये सब कुछ इसमें क्राइटेरिया जो वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और आप इसमें खुद स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैंने करा है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि अंडर द नो सर्कमटांसेज द फीस विल बी रिफंडेड, कोई ऐसा सर्कमटांसेज नहीं है जिसके अंदर फीस रिफंडेबल नहीं है, यानी कि इसमें फीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। आगे बात करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप किसी कंडीशन अगर अदर जगह जॉब कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर मांगी जाएंगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी की 1500 इसकी फीस रखी गई है, एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वुमन के लिए 750 इसकी रखी गई है, और फिजिकली डिसेबल या हैंडीकैप्ड पर्सन की कोई फीस नहीं है इसके अंदर।
हम आगे बात करें कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप इस पर देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है आपको। आपको इसको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसमें आप स्क्रीन देख सकते हो जैसे कि ऑनलाइन मोड फॉरवर्ड एंड सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है आपको वो निकालनी है। फिर इसके अलावा आपको जी देख सकते हो इसमें सबमिशन आगे नीचे कि कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ एंड पेड एप्लीकेशन फीस। ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रखा है, जैसे कि आपको जो आपने पेमेंट किया है उसकी जो फीस की रिसिप्ट है, ये सब कुछ आपको इसके साथ अटैच करना है हार्ड कॉपी के साथ में। और आपको अप्लाई कौन सी साइट पर करना है, aimskalyani.edu.in पर जाके आपको उसको अप्लाई करना है। और इसकी आपकी दूसरी साइट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको अप्लाई कब तक करना है कि जो इसकी आप देख सकते हो 13 तारीख को इसकी जो यहाँ पे निकली है रिक्वायरमेंट, तो आप नेक्स्ट मंथ की जो 13 तारीख है यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसकी हार्ड कॉपी जो आपको पोस्ट करनी है वो एड्रेस मैं भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, उसको आप इसके लास्ट डेट के भी 15 दिन बाद तक इसको भेज सकते हो उस एड्रेस पर, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो जैसे कि ये आपको बताता हूँ मैं एड्रेस आपको कहाँ भेजना है, हार्ड कॉपी को भेजना है आपको। ये जो एड्रेस आपको शो हो रहा है इसमें आपको कंप्लीट डिटेल, एडवर्टाइज नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ आपको फिलअप करके जो ये एड्रेस है, एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी NH 34 कनेक्टर, जो भी ये एड्रेस है वेस्ट बंगाल का, इस पर आपको भेजना है कम्प्लीटली यहाँ पे, ठीक है। और ये हार्ड कॉपी के साथ भेजना है, और इसके साथ में अदर जो फॉर्म है वो भी आपको अटैच करना है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको ये कम्प्लीट फॉर्म शो हो जाएगा। आपको ये वाला फॉर्म जो आप देख इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको फोटो चिपकाना है यहाँ पे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या नाम है आपके, जो भी डिटेल आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करी है वो कंप्लीट डिटेल इसमें फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का एक लिफाफे के अंदर आपको सबको डाल के और जो एड्रेस मैंने बताया ऊपर वहाँ पर भेजना है। और उसके बाद में जो भी इसमें इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी जो एम्स कल्याण की ऑफिशियल साइट पर उसी पर मिलने वाली है।